न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र, अभिमन्यु राव। तू डाल डाल मैं पात पात, यह कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज रेवाड़ी में रोडवेज की हड़ताल के चलते ऐसा ही कुछ देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारी जहां तालमेल कमेटी के आह्वान पर आज प्रदेशव्यापी बंद के तहत रेवाड़ी में चक्का जाम कर हड़ताल पर थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस से दूरी भी बनाई हुई थी, लेकिन पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ बस अड्डा और डिपो परिसर में डटी दिखाई दी। जी हां, सरकार द्वारा 720 प्राइवेट बसों को हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में शामिल करने तथा पिछले माह रोडवेज कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किए गए रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा का प्रयोग करने के विरोध में आज प्रदेश भर में बसों का चक्का जाम रहा, जिसके चलते रेवाड़ी में भी रोडवेज बसों के पहिए पूरी तरह थमे दिखाई दिए। वहीं रोडवेज की इस हड़ताल के चलते पुलिस ने भी बस अड्डा क्षेत्र में सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध किए हुए थे। हड़ताल को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे और जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती तब तक उनका यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। मगर कुछ भी हो, लगातार हो रही रोडवेज की हड़ताल के चलते सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को जरूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और वे सरकार को कोसते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब सरकार को पता था कि आज हड़ताल है तो इसके लिए पहले प्रबंध करने चाहिए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार जहां 720 बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं रोडवेज कर्मचारी भी हड़ताल पर हड़ताल कर उस पर रोक लगाने में पीछे नहीं है। अब 2019 का चुनाव सामने है, ऐसे में देखना होगा कि सरकार जीतती है या फिर कर्मचारियों का यह आंदोलन सफल रहता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। रेवाड़ी का पूर्ण रूप से चक्का जाम है, कोई भी कर्मचारी सरकार से डर नहीं रहा है। और पीछे जो सरकार ने कर्मचारी पे ऐसा लगाया हुआ है, जब तक उनके पैसों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये चक्का जाम रहेगा, किसी भी सूरत पर चक्का खोला नहीं जाएगा। सरकार जो 720 बसे किलोमीटर बेस पे हायर करने जा रही है, उन्हें किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। रेवाड़ी में पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद है। यात्रियों को असुविधा हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। यात्री परेशान है, कहीं ना कहीं वो कर्मचारियों को भी दोषी मान रहे हैं इस बात के लिए। वो सरकार ने उनको भरम में डाला हुआ है, अभी कर्मचारी दोषी है, लेकिन कर्मचारी उस दोषी में नहीं है, उसकी जिम्मेवार सारी सरकार है। हड़ताल जी, हड़ताल तो क्या है, हमें परेशानी हो रही है, बस टाइम पे नहीं आ रही और ये प्राइवेट बस चल रही जो फुल भर के आ रही है, हमें इतनी परेशानी है कि हम बैठ के नहीं आ रहे और हमें बस हाथ नहीं आ रही। ऊपर बैठ के आना पड़ता है, ऊपर बैठ के आना पड़ता है। और ये भैया तो सरकार की कमी है कि भैया जो हड़ताल करते हैं, हड़ताल तो कर्मचारी और सरकार की होनी चाहिए, हमारी कैसे हड़ताल है? जनता क्यों परेशान है इस हड़ताल के अंदर? धन्यवाद। जाना था, नहीं पहुंच पा रहे, परेशानी हो रही है, परेशानी काफी। आज जो हड़ताल है उसको लेकर क्या कहोगे? जो कर्मचारियों की डिमांड है वो पूरी कीजिए, सरकार को सुविधा देनी चाहिए। आम यात्रियों को तो खजियत हो रही है इससे कहीं ना कहीं, और क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार यही है कि भाई कर्मचारियों को सुनी जाए और पब्लिक को रिलीफ दीजिए, कुछ तो इंतजाम करना चाहिए था। ये तो 720 परमिट जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी जब तक ये हड़ताल पूर्ण रूप से जारी रहे। और क्या कुछ मांगे हैं इसके अलावा? अब तो हमारी फिलहाल तो ये 720 जो बसे हैं इनको ही रद्द करवाने का परमिट रद्द करने की है। फिलहाल पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही है, आगे क्या करेंगे? आगे भी ये पूर्ण बंद रहेगा, अनिश्चितकालीन बंद रहेगा जब तक सरकार इस मांग को रद्द नहीं करती। आज रेवाड़ी में पूरी तरह से चक्का जाम है, पूरा चक्का जाम है।